क्या करना चाहिए हमको? तो हम आप लोगों को आज कहना चाहेंगे कि आज के लिए हम लोगों को काम करना है। क्यों काम करना चाहिए उसका भी हम बताना चाहते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 45 साल यहाँ शासन किया, पूरा 45 साल, लेकिन आज तक हमारा यहाँ पर खूंटी लोकसभा में, चाहे तोरपा विधानसभा तोरपा क्षेत्र में, खूंटी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, ना सामूहिक रूप से हुआ है, ना व्यक्तिगत रूप से हुआ है। आज हम लोगों को आज देखें महंगाई की जमाना आ गया है, आज हम लोग हर तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, हमारे जितना अफसर है भ्रष्टाचार आज यहाँ पर फैला हुआ है, अफसर सही भरा हुआ है। आज हम अगर ऑनलाइन करना जा रहे हैं तो हमको 1,00,000 रुपया देना पड़ता है, 50,000 देना पड़ता है, इतना भ्रष्टाचारी लोग भर गया है यहाँ पर कि हमारा कोई काम नहीं है। इसलिए ऐसे सरकार को, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे यहाँ के बीजेपी सरकार हो, हम लोगों को क्या करना चाहिए, उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और आज अगर जाइएगा तो क्या बोलता है कि महागठबंधन को देखना है, महागठबंधन को देखना है, ये नहीं कहता है कि कालीचरण मुंडा को देखना है। इन लोगों को कालीचरण मुंडा के नाम से सभी जितना कांग्रेस और जेएमएम है उसको शर्म आ रहा है, क्योंकि अगला बार कालीचरण मुंडा 2019 में जीता हुआ वोट तो उन्होंने बेच दिया, इसलिए कालीचरण का नाम नहीं ले रहा है। और क्या बोलता है कि हम लोगों को महागठबंधन को देना है, हाथ छाप को देना है, नहीं बोलता है, कालीचरण मुंडा को देना है, नहीं बोलता है। इसलिए आपको हम, आप लोगों को हम कहना चाहते हैं, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को वोट देना है तो सिर्फ झारखंड पार्टी को देना है, क्योंकि आप सभी को जानते हैं एक भाई बीजेपी में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का क्या है, विधायक और मंत्री है, कौन है, नीलकांत सिंह मुंडा, और उसी का दूसरा भाई क्या है, कांग्रेस में। तो ये हमारे मिशनरी अल्पसंख्यक समुदाय को ठाकने का काम कर रहा है, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। 2019 में उन्होंने वोट को बेचा और कितना सौदा किया, इन्होंने लाखों रुपया करोड़ों रुपया में सौदा करने का काम किया है। इसलिए अगर इस बार आप फिर वोट दीजिएगा, इस बार 5 करोड़ लेकर टिकट लाया है, तो अगला बार इस बार अधिक उसका 50 करोड़ क्या हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। इसलिए इस बार भी अगर चुनाव जिताइएगा तो निश्चित रूप से वो वोट को बेचने का काम करेगा। और हमारे लिए यहाँ पर ग्राम सभा को अधिकार नहीं दे रहा है, फुटकट्टी को अधिकार नहीं दे रहा है, बसपाड़ा को हम लोगों को अधिकार नहीं दे रहा है, ग्राम सभा कोई चीज को अधिकार नहीं दे रहा है। इस बार झारखंड पार्टी को जिताकर हम लोगों का ग्राम सभा का अधिकार हक हकीकत के लिए लड़ाई लड़ना है। हमेशा से झारखंड पार्टी क्या है, हक हकीकत जल जंगल जमीन के लिए माटी के लिए लड़ाई लड़ती है। इसलिए आप लोगों को भूल भुलैया में डाल रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने मीटिंग किया, घोषणा किया इस बार मिशनरी कैंडिडेट देगा, खूंटी लोकसभा में मिशनरी कैंडिडेट देगा, इसलिए महागठबंधन को वोट देना है। लेकिन इस बार यहाँ पर मिशनरी और अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्र है, फिर भी क्या किया है कि यहाँ पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को क्या किया, टिकट दिया है। कालीचरण मतलब आरएसएस, तो क्या आप क्रिश्चियन और मुसलमान और सदान क्या करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को देना है हाथ छाप के वोट देना है, इसका मतलब क्या है कि आपको बीजेपी को वोट देना है। गीता कोड़ा का क्या जरूरत हुआ, आज कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में चल गया। सीता सोरंग का क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि ये जेएमएम से क्या चल गया, बीजेपी में चल गया। इस तरह से सभी को 11 विधायक बीजेपी से पैसा लेकर सौदा किया है, सभी कांग्रेस के लोग क्या कर रहा है, बेचाने का काम कर रहा है, उसके पास हम लोग का सबूत है। और इसलिए हाथ छाप में वोट देना मतलब बीजेपी आरएसएस को वोट देना है। इसलिए आप लोग सभी को सावधान हो जाइए कि अगर आप लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं तो कांग्रेस में वोट देंगे आप, और अगर आप सही माने में झारखंड पार्टी को जीताना है तो टोकरी छाप में वोट दीजिए, हाथ छाप मतलब बीजेपी। इसलिए आप देना पसंद करेंगे, हाथ छाप को देना पसंद करेंगे, देना
आज हाथ छाप को देना पसंद मत करिए। हाथ छाप मतलब क्या हुआ, फूल छाप हो जा रहा है आज यहाँ।